सर क्रोकोडाइल टीयर्स से कैसे हम करेंगे? क्रोकोडाइल टीयर्स का क्या खासियत है? मतलब वो दिखाता है पर कुछ होता नहीं है, मतलब इट्स ऐसे ही आ आपको जाते हैं, नॉन इसका नॉन सेंसिटिव या नॉन हाँ तो फेक चीजें कौन रिप्रेजेंट करता है? मैं तो मेरा वीडियो लेक्चर्स में होगा, जो वीडियो लेक्चर्स में है तो मैंने फोबियाज के बारे में डिस्कस किया था, हाउ फोबिया गेट्स डेवलप्ड इन दिस साइंस। और उसके बाद मैंने तो बोला अननेचुरल फियर्स कैसे होते हैं, ठीक है, ये है बुढ़ापे की निशानियां, इसीलिए कहा जाता है भैया खेलते कूदते रहा करो, है ना, वरना बुढ़ापा बहुत करीब है। तो जो दोस पीपल हु आर लाइक वेरी गुड एरीज, जेमिनाई पीपल, इवन लियो पीपल, ये तीनों लोग तुमको देखोगे ना, ये अच्छे एज के हो गए, मतलब इन द सेंस के अबव 50 हो भी रहेंगे तो भी दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट फुटबॉल, ये तुमको खेलते कूदते मिल जाएंगे। एंड कैप्रिकॉर्न वाला व्यक्ति 30 क्या, मतलब 25 के ऊपर ये इसने खेलना ही नहीं है, इसने आराम से सो के उठना है 11 बजे, इनसे जल्दी नहीं उठा जाता, सुबह 5 जल्दी उठे। हाँ शरीर में आपका अगर लगन कैप्रिकॉर्न को मिल जाए या फिर आपके लगन लॉर्ड कैप्रिकॉर्न से जुड़ जाए तो आप जल्दी नहीं उठ पाएंगे क्योंकि बॉडी के अंदर तमस ज्यादा है। तामसिक प्रवृत्ति अब आपके बॉडी के अंदर ज्यादा हो गई है, एंड बॉडी का तुम समझो, बॉडी का नेचुरल टेंडेंसी है लेट जाना, देयर इज अ फाइट गोइंग ऑन इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर एक फाइट होती है, आपको अग्नि का जो एलिमेंट होता है, फायर का एलिमेंट, आपको जिंदा रखने की चेष्टा है, लेकिन जो अन्न होता है, अन्न समझ रहे हो ना, अन्न मतलब फूड, वो चाहता है कि वो वही विलीन हो जाए, वो वापस से विलीन हो जाए जहां से वो आया है, इसीलिए बॉडी ज्यादातर झुकने लगती है जब बुढ़ापा आता है, और बॉडी झुकते झुकते आपको चाहती है कि आप बस जमीन पे ऐसे लेट जाओ ताकि हम आपको डिसॉल्व कर सकें। तो जब बॉडी ठंडी होने लगती है तो आपका शरीर झुकने लगता है, इसीलिए कैप्रिकॉर्न में शरीर झुका हुआ भी बेंड होने लगता है। समझ रहे इसको? तो इस सर तरीके आपका से हाँ आपका मतलब हंचबैक जो होता है वो इन लोगों को होता है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से भी ये चीजें होंगी, समझो ना, हंचबैक होता कहाँ है, शोल्डर पे तो होता है ना, हाँ कुब जो निकलता है सर, जो हाँ कुब कूबड़, जो हाँ निकल हाँ जाता है तो कूबड़ निकलता है, वो शोल्डर पे तो निकलता है, दैट बचपन इज में भी जेमिनाई करते सिक्स लोग, थाउजेंड बचपन क्या? बचपन में भी कई लोगों का कुब निकला होता है ना सर, जो थोड़े बेंड होते हैं, एकदम स्ट्रेट सीना एकदम लॉन्ग हाँ स्ट्रेट नहीं होता। हाँ मकर मकर वाले ही हैं, मकर वाले ही हैं जिनका लाइक ना वो थोड़े से झुक के चलेंगे। अरे मेरे को मैम ने डांट दिया था एक बार, मैं छोटा था, मेरा लगन लॉर्ड कैंसर एंड लगन, बट मेरा लगन लॉर्ड इस केपिंग, मेरी टीचर ने मेरे को डांटा था कि तुम कैसा इतना यंग होकर कैसा झुक के चलते हो, उस टाइम में मेरे को मालूम नहीं था कि कैप्रिकॉर्न की वजह से, लेकिन अब मालूम है, वो कमर ना कमर थोड़ी सी बेंडेड होने लगती है क्योंकि सही अमाउंट ऑफ एनर्जी फील नहीं हो रही होती कैप्रिकॉर्न में, तो बहुत समझो कि वो बचपन से वो वैसा आ रहा है, और हम इसमें व्यक्ति को दोष नहीं दे रहे क्योंकि शारीरिक रूप से वो चीज वो फील नहीं कर पा रहा है ना, तो हमें उसको बस ट्रेंड करना है अलग तरीके से, योग से करना है, प्लेफुलनेस से करना है। मैं भी बहुत ज्यादा खेलता नहीं था, मेरी भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट खेलने कूदने में थे नहीं, मतलब बहुत ज्यादा फिजिकल नहीं कर पाता था, हाँ फिट यंग में नहीं कर रहा था, फिर धीरे धीरे कुछ कुछ इंटरेस्ट डेवलप होने लगे आगे चल करके, और फिर चीजें करी, बट नाउ आई अंडरस्टैंड कि ओके व्हाई वाज एट दैट टाइम आई वाज लाइक दिस। और जब लगन लॉर्ड आपका वो कैप्रिकॉर्न होता है ना, तो आपको भी वैसे बहुत रिस्ट्रेन किया जाता है, रिस्ट्रेन मतलब पिताजी हमें जाने नहीं देते थे कहीं पे भी, मतलब लाइक कोई भी ग्राउंड और ये सब शामिल, स्कूल के अलावा कोई बाहर जाने नहीं दे रहे, तो आई वॉज वेरी रिस्ट्रेन, मेरा सारा घर मतलब सारा जो घर का हिस्सा होता है छोटा सा था, तो उतना ही हमारा प्ले ग्राउंड था जिसमें जो खेल सको खेलते, तो अब
शरीर एक छोटे बच्चे का इतना डायनेमिक एनर्जी के साथ, वो एक छोटे से एरिया में रहेगा तो कितना रेस्टूडेंट है, वो उस लेवल पे पूरी डेवलप नहीं हो पाता है। तो वैसा है, तो आपको भी मालूम है कि अगर आपके बच्चे के चार्ट पर अगर कैप्रिकॉन स्ट्रांग हो रहा है तो आपको क्या करना है, उसको लेके जाना है बड़े बड़े ग्राउंड में, उसको खिलवाना है, उसकी एनर्जी को अपलिफ्ट करने के लिए आपको उसको दौड़ावाना पड़ेगा। और बचपन में अगर आपने उसको रिस्ट्रेन कर दिया तो अब वो बचपन में ही बुढ़ा पैदा हो जाएगा। ठीक है, तो कई मैं अब देखता हूँ, मैं बहुत सारे पेरेंट्स लोग हैं जो इस बात का ध्यान रखते हैं लाइक ना उनके बच्चे खेलें, लेकिन वही है कि अभी भी वो वीकेंड्स खेलने वाले टाइप से हो रहा है। बट मोर अवेयरनेस की चाहिए कि डेली बेसिस पे अपनी एनर्जी को यूटिलाइज करें, जितना ज्यादा यूटिलाइजेशन बढ़ने लग जाएगा उतना बॉडी और डेवलप करेगी एनर्जी को। ठीक है, तो कैप्रिकॉर्न का इसलिए मैं तुमको ये समझाना चाह रहा हूँ कि कैसे ये स्लो है, इस तरीके किस किस एंगल से ये स्लो है। जेमिनी जा रहा है और कैप्रिकॉन मिल रहा है, कैप्रिकॉन 11th हाउस में मिला हुआ है, सॉरी कैप्रिकॉन नहीं, स्कॉर्पियो 11th हाउस में मिल रहा है। सो दैट इज हाउ तमस इज ग्रोइंग, शीतलता ग्रो कर रही है, ठंडापन ग्रो कर रहा है। क्लियर है? अब कैप्रिकॉर्न की और भी चीजें हैं, कैप्रिकॉर्न में जैसे कि कैप्रिकॉर्न में और क्या चीजें हैं, कैप्रिकॉर्न में और चीजें ऐसी हैं कि जैसे और भी समझ सकते हो, जैसे कि आपका काम रुकता हो, जेमिनी मित्र भी है ना, मित्र भी है, भाई भी है। सो कैप्रिकॉर्न ज्यादा स्ट्रांग होने पर या लग्न होने पर आपको क्या हो जाएगा, तो पेंडिंग कर्मा उसके साथ हो जाएगा, अपने ही स्नेक के साथ और अपने ही भाई बहन। तो कैप्रिकॉर्न ही है जो फैमिली में भाई बहनों को लड़वाता है, जिनमें फैमिली डिस्प्यूट होंगे भाई बहनों के बीच में, सिब्लिंग्स के बीच में ना, चाचाताओं के लड़के बीच में और आपके बीच में ये डिस्प्यूट होते हैं कैप्रिकॉर्न। ऐसे में अगर आप लड़ रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम है, आप लड़ने वाले बने या लड़ाई को इनिशिएट करने वाले हुए तो आप जेमिनाई गया, जेमिनाई गया तो आपको प्रॉब्लम होगी, वो दूसरे फॉर्म से आ गया, स्किन केयर होगे होंगे, ठीक है, जेमिनाई वाली चीजें होने शुरू हो जाएंगे, प्रॉब्लम्स होने शुरू हो जाएंगे। दैट इज हाउ आई सी कि ना 6th हाउस में जेमिनाई मिलता है, असर व्यक्ति अपने ही भाई बहनों से लड़ता है, अपने ही सिबलिंग से लड़ता है। सर, क्रोकोडाइल टीयर्स से कैसे हम करेंगे? क्रोकोडाइल टीयर्स का क्या खासियत है? मतलब वो दिखाता है पर कुछ होता नहीं है, मतलब इट्स ऐसे ही आ आपको जाते हैं, नॉन इसका नॉन सेंसिटिव या नॉन तो फेक चीजें कौन रिप्रेजेंट करता है, कौन सा प्लैनेट फेक चीज है? राहु। नॉन इमोशनल राहु तो सेकंड कैप्रिकॉर्न के हाउस, सेकंड हाउस में देखो, एक्वेरियस राहु राहु फेक तो यही है कॉम्बिनेशन। मतलब लेट्स सी, लेट्स अगर हमने बात करी ली है सेकेंड हाउस राहु की, तो यही देख लेते हैं कि फेक टीयर से मतलब क्या है कि इस जब देखो व्यक्ति जब समझो कि कैप्रिकॉर्न में साइन डर का भी है, समझो अब मैं तुमको तो दूसरे आयाम में लेके चलूं, इट्स लाइक मोर ऑफ अ मेंटल थिंग्स। स्कॉर्पियो और कैप्रिकॉर्न ये दोनों मेजर कारण है डिप्रेशन के और साइकोलॉजिकल इश्यूज। एक तो तुम समझो कि कैप्रिकॉर्न में मून डेबिलिटेटेड मिलता है, डेबिलिटेटेड मिलता है 11th हाउस, मतलब इसको डेबिलिटेशन मून का खास पावर मिला हुआ है 11th हाउस, ये वही पॉइंट है ना, स्कॉर्पियो इज द पॉइंट वेयर मून गेट्स डेबिलिटेटेड। तो स्कॉर्पियो मून डेबिलिटेशन
होता है, तो आप समझो कि स्कॉर्पियो मून होने पे व्यक्ति को अननेचुरल फियर्स है, डर है, और यही डर और बढ़ा दो, और बढ़ा दो, राहु डाल दो उसके अंदर, सो ऐसा व्यक्ति और डरपोक हो गया। और जो व्यक्ति जितना ज्यादा डरता है उतना ज्यादा वो झूठ बोलता है। झूठ बोलने का फंडामेंटल कारण ही डर है ना। आप आपसे कोई ने हड़का पूछा, अरे ये काम क्यों नहीं हुआ, आप डर गए, और आपने क्या तुरंत बोले, सर वो ये हो गया था, ये नहीं मिला था, ये वो हो गया। आपका झूठ बोलने का फंडामेंटल रीजन डर है। That is how I see Rahu is Aquarius in second house. And that is how I see कि व्यक्ति डरपोक है, यानी कि स्कॉर्पियो 11th हाउस में मिला हुआ, ठीक है। और इसीलिए साथ ही साथ डिप्रेशन का कारण इसलिए बन रहा है कि समझो कि मून डेब्यूटेशन का पॉइंट है, इट्स लाइक मून डेब्यूटेटेड हो जाए और उसी में राहु मिल जाए, नहीं किसी को मून राहु इन स्कॉर्पियो मिल जाए, तो ये अब डिप्रेशन का कारण है, ये कॉम्बिनेशन डिप्रेशन का है। और इसीलिए कैप्रिकॉर्न मून हो या फिर मून इन स्कॉर्पियो हो, व्यक्ति को है अंधेरे से डर लगना, फोबिया होना, किसी चीज का अननेचुरल फियर हो जाना, क्योंकि स्कॉर्पियो में तुमको मालूम है, मैंने वर्गो स्कॉर्पियो का जब एंगल पढ़ाया था तो तुमको मैंने फोबियाज के बारे में बताया होगा, मैंने पता नहीं इस बार बताया है कि मैंने वीडियो लेक्चर्स में होगा, वीडियो लेक्चर्स में है, तो मैंने फोबियाज के बारे में डिस्कस किया था, हाउ फोबिया गेट्स डेवलप्ड इन दीज साइंस, और उसके बाद मैंने तो बोला अननेचुरल फियर्स कैसे होते हैं, ठीक है। तो केतु का क्या रोल है, केतु है ना, समझो स्कॉर्पियो को समझ, अगर तुमने ढंग से स्कॉर्पियो समझ लिया तो मैं कैप्रिकॉर्न आने वाला ही है, इसको समझने में देरी नहीं। केतु जो है वो अननेचुरल फियर्स का कारक है, डर का कारक है, अंधेरे का कारक है, जो ना दिखे उसका कारक है, भूत प्रेत का कारक है, मून गया, अब उसने तुमने डाला रहा, उसी एलिमेंट में डाला रहा, तो अब ये डिप्रेशन का कारक है। इसलिए मून एट फिर राहु आपको पता ही नहीं कि आपको डर किससे है, बस आप डर रहे हो। मून एट हाउस यही है,